साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में वुमेन सिंगल्स के फर्स्ट राउंड में ही वीनस विलियम्स को उलटफेर का सामना करना पड़ा। वीनस को उनके ही देश की 15 साल की कोरी कोको गॉफ ने मात देकर इतिहास रच दिया। गॉफ ने दमदार प्रदर्शन करते हुए दिग्गज खिलाड़ी विलियम्स को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। वीनस विलियम्स 15 साल की गॉफ की आइडल रही है। गॉफ वीनस के मैच देखकर ही बड़ी हुई है और अपने आदर्श को हराने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी जीत दर्ज कर पाऊंगी। वीनस और गॉफ के बीच ये मैच 1 घंटे और 19 मिनट तक चला। दूसरे दौर में गॉफ का सामना मांडलेना रायबारी कोवा के खिलाफ होगा, जिन्होंने अपने पहले दौर के मैच में वर्ल्ड नंबर 10 आर्याना साबालेंका को शिकस्त दी। वर्ल्ड रैंकिंग में 313वें पायदान पर मौजूद गॉफ ने शुरुआत से ही दमदार प्रदर्शन किया और बेहतरीन ग्राउंड स्ट्रोक्स लगाते हुए अपने से 24 वर्ष सीनियर खिलाड़ी को शिकस्त दी। बता दें, गॉफ ओपन एरा में विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है। इस जीत के साथ उन्होंने साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम में अपने से सीनियर खिलाड़ी को मात देने का रिकॉर्ड भी बनाया है।